हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये वाला हमारा गणपति मंडप मेकिंग का पार्ट 3 है, मतलब डे 3। और अभी भी हम लोग मिट्टी डाल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि दो दिन से पानी गिरा था तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। अभी पूरी टीम यहाँ पे ही है हमारी, अब हम लोग मिट्टी भरेंगे और वहाँ पे डालते हैं, उसके बाद आगे का काम करेंगे। तो गाइस, हम लोग आ गए बांबू के खेत में। यहाँ से बहुत सारी बांस लेके जाएंगे गणपति के मंडप के लिए। हमारे इतने दिनों से बांसों की जुगाड़ नहीं हो रही थी, लेकिन अब फाइनली हम लोगों को बांस मिल जाएगी। पूरे तरफ बांस का जंगल ही जंगल है, चारों तरफ जंगल। आज तो विकास भाई भी एकदम वाइट वाइट होकर आए हैं और मौसम भी बढ़िया दिख ही रहे होंगे आपको। और बांस ही बांस है। गाइस, यहाँ पे तो पूरी बांसुन पड़ी हुई है, कटी हुई, बस इनमें से लेके जाऊंगा मैं बांस। तो गाइस, फिर से पोपट हो चुका है, बांस आज भी नहीं मिली। वैसे भी अब गणपति को सिर्फ 4 दिन बचे हैं, 4 दिन के लिए 3 दिन बचे, चौथे दिन को उनका आगमन होगा, फिर मैं तो पहले विसर्जन करवा रहा हूँ। तो अब देखते हैं, अभी तो कोई बांस की जुगाड़ नहीं है, अभी भी आज भी हमारा मतलब कम्प्लीट नहीं हो पाएगा, ऐसा भी होता है आप लोगों को बताएंगे। अभी तो बस टाइम पास ही हो रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा। जब तक बांस नहीं आएगी तब तक कुछ काम ही नहीं हो पाएगा हमारा। विकास भाई भी यहाँ पे बड़े दुखी हो चुके हैं। विकास भाई किधर चुप रहे हो? गाइस, इतनी सारी मिट्टी आ चुकी है और अभी एक एक बीच में भी गड्ढे खोदने हैं, तो ये भी खुदा रहे हैं। बस ये एक गड्ढा यहाँ खोदेंगे और एक और जस्ट इसके अपोजिट खोदना है, बाकी फिर जब बांस आएगी जब भी काम हो पाएगा। अभी तो सिर्फ ये गाड़ देते हैं लक्कड़। ये हमारा टिली लिली, एक बार टिली लिली कर। तो गाइस, ये विकास भाई गिर गए थे, तो देख सकते हो आप इनकी हालत। इनको अब सर्फ एक्सल की जरूरत है, 10 रुपए वाले की नहीं, टाइट टाइट लेके आएगा। टाइट की तो जरूरत ही, पूरा वो हो गया, पूरा गंदा गंदा हो गया यहाँ पे। फुल जोरों शोरों से काम चल रहा है अब तो। बस समय से हम लोगों को बाम्बू मिल जाए, बांस मिल जाए, तो फिर हमारा मंडप बनेगा नहीं, तो इतनी मेहनत कोई मतलब वाली नहीं रहेगी। गाइस, ये इसको देखो, ये बेचारा पूरा लाल हो गया है। हमारे अर्थ भैया कोई काम नहीं कर रहा है। मैं ब्लॉग बनाऊंगा तो काम कैसे करूंगा यार? ब्लॉग बना के बहुत फायदा मिल रहा है इनको, कोई फायदा नहीं आ रहा है। थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, 70-80 व्यूज में क्या होगा मेरा? कम से कम 300-400 लाख। हाँ, फिलहाल तो हमारे ये दो खम्भे जो बचे हुए थे ये भी हमने लगा दिए हैं। पूरी मिट्टी भी लगभग आ चुकी है, बस अब ये दो खम्भे गड़ चुके हैं। अब बस जैसी बांस की जुगाड़ होगी अगला काम चालू करेंगे हम लोग। अब वैसे मिट्टी को फैलाते हैं, पूरी मिट्टी मिट्टी हो गई है चारों तरफ। वाला डंडा भी गड़ गया, ये भी डंडा गड़ गया है। और ये हमारे सस्ते मजदूर ब्रेड पिट। ओए गाइस, यहाँ पे कुश्ती कर रहे थे ये लोग ये अखाड़े में, लेकिन ये केदार भाई यहाँ पे डर रहा है, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि इसको पहले से लगता है ये हर जाएगा। यहाँ पे आनंद वर्सेस केदार होते हुए बहुत ही बढ़िया फाइट चल रही है, दोनों साइड हट गाइस। यहाँ पे शर्टी फट चुका है, गाइस यहाँ पे इसका शर्ट फट गया। तो गाइस, फाइनली हमारा आज का काम भी हो गया है, ये डंडे गड़ चुके हैं, यहाँ पे पूरी मिट्टी फैला दी हम लोगों ने। अब बस कल बांस लेके आएंगे और उसके बाद पूरा मंडप तैयार करेंगे। ये लोग भी जा रहे हैं अब अपने अपने घर।